नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक ऐसे वीडियो की तलाश कर रहे हैं जो भारतीय संविधान के संशोधन के विषय को आसानी से समझा सके तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक लोकप्रिय कहावत कहना चाहूंगा कि आधी जानकारी प्राप्त करने से अनजान होना कहीं बेहतर है। इसलिए वीडियो को स्किप न करें और कृपया अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए अपनी चर्चा शुरू करें। स्पष्टता के लिए मैं चर्चा को तीन भागों में विभाजित करूंगा। पहला भाग संविधान में संशोधन के प्रावधान को शामिल करने के कारण से संबंधित होगा। दूसरा भाग महत्वपूर्ण संशोधन और अंत में मैं भारत का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल संशोधन पर प्रकाश डालूंगा। सरल भाषा में संशोधन का अर्थ है समाज की बदलती मानसिकता के अनुसार जोड़, परिवर्तन या संशोधन के माध्यम से संविधान की कमियों को भरना, और इसी वजह से संशोधन अस्तित्व में आया। संविधान का आर्टिकल 368 संशोधन के बारे में बात करता है और इसे करने के तीन तरीके भी प्रदान करता है, जो हैं साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, और अंत में स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स हैं, जो ज्यादातर महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में लागू होते हैं। आइए अब उन 12 प्रमुख संशोधनों पर एक नजर डालते हैं जो आज तक संविधान में भारी बदलाव लाए हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो चंपकम दौराई राजन मामले के फैसले के जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया था। इस संशोधन ने मुख्य रूप से आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन के तीन आधार जोड़े, जो है पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगला 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 है, जिसने संविधान के ढांचे को हिलाकर रख दिया और इसे गोलकनाथ मामले के फैसले को रद्द करने के लिए लागू किया गया था। यह संशोधन संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की एक निरंकुश शक्ति देता है। अगला 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 है, जिसमें राज्य में DPSP के इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत करने के लिए आर्टिकल 31C जोड़ा गया था। फिर यह ऐतिहासिक संशोधन आता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, और वह 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, जिसने संविधान में भारी बदलाव किया, जिसने प्रस्तावना में तीन नए शब्दों को शामिल किया, जो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी है। इसके अलावा इसमें आर्टिकल 39A भी शामिल है, जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, और पार्ट 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। इसमें आर्टिकल 312 भी शामिल है, जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान करता है, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगला 61st अमेंडमेंट एक्ट है, जो मतदान के लिए कानूनी आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर देता है। उसके बाद 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 है, जिसने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। उसके बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पंचायती राज प्रणाली और नगर पालिकाओं को जोड़ा। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद आर्टिकल 21A को जोड़ा और 14 साल तक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। उसके बाद 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित करके भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित की। उसके बाद 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने आर्टिकल 338B के तहत अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े OBC वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। उसके बाद 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, जिसने एंग्लो इंडियंस द्वारा लोकसभा में सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया, और अंत में 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देता है। अब संविधान का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल संशोधन, जिसने देश में अशांति को जन्म दिया,
जो कि 24th अमेंडमेंट एक्ट है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन में अपनी राय व्यक्त किए बिना हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है। यह भारतीय संविधान के बुनियादी मानदंडों पर एक स्पष्ट प्रहार था। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।